खरीद लो भाई 18,000 में इतने सारे बेस्ट फोन जो है, पर खरीदोगे क्या? फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो हजारों फोन अवेलेबल है, वो फोन आपके लिए सही में बेस्ट है या नहीं इस वीडियो में देखते हैं। सुपर एमुलेट 120Hz डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप और अच्छा प्रोसेसर के साथ टॉप 3 बेस्ट फोन अवेलेबल है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली फेक रिव्यू से सावधान रहे, एंड कोई ब्रांड से स्पॉन्सर वीडियो तो ये नहीं है। पहले कुछ मोबाइल के नाम देख लेते हैं, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 Pro, Realme X7, Moto G60, Realme 8 Pro, ये सभी बेस्ट फोन में से आप अपने हिसाब से ले सकते हो। पर इनमें से भी टॉप 3 फोन को चूज क्या है? गेम खेलते हो या फोटोग्राफी का फैशन रखते हो तो स्किप मत करो, कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता। टॉप 3 फोन में भी कुछ इशू है, वो भी डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो फोन है उसका नाम है Moto G60। ये फोन इंडिया में लॉन्च होता 27 अप्रैल 2021 को। यहाँ पर आपको 6GB का रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, और LPDDR4 का रैम, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलता है। डुअल 4G सपोर्ट करता है, 20W का फास्ट चार्जर के साथ 6000mAh का मैसिव बैटरी भी देखने को मिलेगा। 6.8 इंच का FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, डिस्प्ले के अंदर 396 PPI देखने को मिलेगा। HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी अवेलेबल है। प्रोसेसर में Qualcomm Snapdragon 732G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, 8nm के टेक्नोलॉजी पर आता है, और GPU में Adreno 61 का GPU भी देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा में 32 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, जिससे आप 30fps पर 1080p पर वीडियो कर सकते हो। और साथ में रियर कैमरा में 108+8+ 2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सैमसंग का आइसोसेल का सेंसर देखने को मिलता है, वो 4K 30fps तक जाता है, 1080p पर 60fps तक जाता है। एंड्रॉइड 11 के साथ ये फोन आता है, इस फोन में स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इनहांस कर देता है, और ब्लूटूथ में लेटेस्ट वर्जन 5.1 भी अवेलेबल है। कौन सी अगर बात करें तो दोस्तों इस फोन का वेट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, और साथ में सैमसंग का सेंसर होने के कारण इमेज क्वालिटी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना सही नहीं हो पाता, और 20W के चार्जर के साथ आपका फोन का चार्जिंग टाइम और भी ज्यादा इनहांस हो जाता है। ओवरऑल ये फोन आपको गेमिंग और कैमरे के लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है 18K के बजट के अंदर। और दोस्तों जल्द से लाइक कर दो इस वीडियो में, और नीचे जाकर कमेंट कर दो, सब्सक्राइब का बटन को जोर से दबा दो, ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सेकंड नंबर पर हमारे पास है Realme 8 Pro। ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है 24 मार्च 2021 को। यहाँ पर आपको 6GB+128GB और 8GB+128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, LPDDR4 का रैम देखने को मिलेगा, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलेगा। डुअल 4G सपोर्ट करता है ये फोन, 50W का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ 4500mAh का मैसिव बैटरी भी देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ में 600 nit का पिक बैलेंस भी देखने को मिलेगा। 60Hz का रिफ्रेश रेट तो अवेलेबल है, और उसके साथ में 180Hz का रिस्पॉन्स रेट भी देखने को मिलेगा। एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है। प्रोसेसर में Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है और 8nm के टेक्नोलॉजी पर बेस है। यहां पर आपको GPU में Adreno 608 का GPU भी देखने को मिलेगा, और फ्रंट कैमरा में 16MP फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, Sony IMX471 का सेंसर भी देखने को मिलेगा, वहां पर 30fps पर और 1080p पर वीडियो कर सकते हो। और रियर कैमरा में 108+8+2+2 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा, वो 4K जाता है 30fps तक और 1080p 60fps तक जाता है। एंड्रॉइड 11 के साथ ये फोन आता है, Realme UI वर्जन 2 अवेलेबल है, और ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.0 भी अवेलेबल है। फोन की अगर बात करें तो दोस्तों इस फोन में सैमसंग का सेंसर होने के कारण इमेज क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, और डिस्प्ले में एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी सिर्फ 60Hz का रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलता है। 120Hz इस प्राइस रेंज में होता तो अच्छा होता, हीटिंग इशू और कॉल फंक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओवरऑल ये इस प्राइस रेंज में एक वैल्यू फॉर मनी फोन है, और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इस फोन को जस्टिफाई भी करता है, और इसलिए हमने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। एक रिमाइंडर दोस्तों, अपने अभी तक लाइक नहीं किया तो दबा दीजिए लाइक के बटन को, आप लाइक नहीं करोगे तो कौन करेगा। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है Poco X3 Pro। ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है मार्च 22, 2021 में। 6GB और 128GB और 8GB और 128GB स्टोरेज के साथ ये फोन आता है। LPDDR4 का रैम देखने को मिलेगा, और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलता है। डुअल 4G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, उसके साथ 33W के फास्ट चार्जर के साथ 5160mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। 6.67 इंच का FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, डिस्प्ले के अंदर HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और साथ में 450 nit का पिक बैलेंस देखने को मिलेगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी अवेलेबल है। प्रोसेसर में Qualcomm Snapdragon 865 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। GPU में Adreno 608 का GPU भी देखने को मिलेगा। इस प्राइस में Qualcomm Snapdragon 865 का प्रोसेसर एक हाइलाइटेड फीचर हो जाता है। Android 11 के साथ ही फोन आता है, MIUI Poco वर्जन 12 आता है, ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.1 भी देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा में 20MP कैमरा देखने को मिला, जिससे 30fps पर 1080p पर वीडियो कर सकते हो, और रियर कैमरा 48+8+2+2 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सैमसंग का सेंसर आता है, वहाँ पर आपको 4K 30fps तक जाता है, 1080p 60fps तक जाता है। और कॉन्स की अगर बात करें तो दोस्तों 48MP का कैमरा से आपको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना अच्छा इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगा, और अगर डिस्प्ले में एमोलेड होता तो गेमिंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा हो जाता। डिस्प्ले में टच में और स्क्रॉलिंग के टाइम कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस प्राइस में बेस्ट गेमिंग फोन है, और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इस प्राइस में आपके लिए एक राइट चॉइस हो जाता है, इसलिए इस फोन को हमने टॉप पर रखा है।
दोस्तों हमारा लिस्ट में से आप कोई भी फोन ले सकते हो। और आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।